आज सेहत पर जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं उसे सुनकर मुझे 100% पता है आप में से कई लोग बोलेंगे कि पहले खुद को तो देखो। भैया आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मैं भी इसी दुनिया से हूँ, तो जो प्रॉब्लम्स आपको होती हैं वो मुझे भी होती हैं, और आपके साथ साथ मुझे भी इन प्रॉब्लम्स के कारण और इलाज के बारे में पता चलता रहता है। अब बिना ज़्यादा समा बांधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम बात करेंगे फेस फैट यानी चेहरे की चर्बी के बारे में। आप में से ज्यादातर लोगों ने नोटिस किया होगा कि उम्र के साथ साथ हमारा चेहरा भरने लग जाता है। कुछ लोगों का दूसरों से थोड़ा ज्यादा भरता है। अब इसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है, ये अक्सर होता है और ये नॉर्मल है, पर कुछ लोग इसे लेकर सहज महसूस नहीं करते, जैसे हमारी लंदन टॉप की व्यूअर साक्षी, जिन्होंने हमें मेल करके मदद मांगी है। साक्षी 35 साल की हैं और पिछले कुछ समय में उनका ज्यादा वजन तो नहीं बढ़ा है, पर उनका चेहरा पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा भर गया है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। वो जानना चाहती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे निपटने के लिए वो क्या करें। तो सबसे पहले जानते हैं चेहरे पर ज्यादा चर्बी क्यों जमा होने लगती है। चेहरे पे चर्बी जमा होने के कई कारण हैं। इसमें से जो प्रमुख कारण है वो है हमारा मोटापा और तथा ओल्ड एज। ये उम्र के हिसाब से कई बार थोड़ी के नीचे स्पेशली इस एरिया में चर्बी जमा होने की और चमड़ी रिलैक्स होने की, मतलब चमड़ी थोड़ी सी ढलक जाती है और वहाँ पे चर्बी जमा हो जाती है, उसकी बात है। इसके अलावा जो एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जो एड्रेनल नाम के ग्रंथि से सिक्रीट होता है, वो अगर बॉडी अत्यधिक मात्रा में बनाने लगे या आप किसी दवाई के रूप में उसको खाने लगो तो आपका जो फेस है, चेहरा है, वो मून फेसिस हो जाता है, मतलब चंद्रमा जैसा गोल हो जाता है, क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में चर्बी जमा हो जाती है चेहरे पे। तो ये दो प्रमुख कारण हैं चर्बी जमा होने के। एड्रेनल या उस किसी कारणों से आपके जमा हुई है चर्बी या मोटापे की वजह से हुई है, वजन कम करने से आपका चेहरे की चर्बी कम हो जाती है, किन्हीं कारणों से स्टेरॉइड खा रहे हो या फिर आपको इस तरह की दवाई दी गई है या आपके एड्रेनल ग्लैंड बना रहे हैं ज्यादा है, तो उसकी अगर आप उसको कंट्रोल कर सकें या स्टेरॉइड टेपर ऑफ हो सके, क्योंकि आजकल स्टेरॉइड के अलावा भी काफी सारी दवाइयां आ गई हैं जिनसे स्टेरॉइड ना लेने की जरूरत पड़ती है, तो उससे भी आपके चेहरे की चर्बी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप थोड़े से बुजुर्गवार हो और चेहरे पे आपके चर्बी जमा हो गई है, स्पेशली थोड़ी के नीचे, तो आप इसके लिए अगर, और ये आपको अगर तंग करती है, आपको मन से, मतलब आप इसको देख के दुखी हो जाते हो, तो आप आकर इसके लिए आप एक ट्रेन परीक्षित प्लास्टिक सर्जन से परामर्श कर सकते हो तथा इसके इसको निकालने के और इसको ठीक करने के कई सारे उपाय हैं। सबसे प्रथम है, उसमें आती है मीजोथेरेपी, उसमें कुछ इंजेक्शन लगते हैं जिसकी वजह से चर्बी स्वयं गल के चले जाती है। तो दूसरे जो उपाय है वो है कि यू कैन अंडरगो ए लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन मतलब एक छोटे से कैनुला से हम वो चर्बी को सक्शन करके निकाल देते हैं और उसमें कोई खास ज्यादा निशान भी नहीं आता और वो तुरंत होता है, और जबकि मीजोथेरेपी में थोड़ा सा टाइम लगता है उसको गलने के जाने में। तीसरा उपाय ये होता है कि हम थोड़ी के नीचे छोटे से निशान लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम उसको वो ओपन ऑपरेशन करके सारी चर्बी निकाल लेते हैं। ये जो इस तरह की विधि है, ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो 60 और 65 के ऊपर के लोग होते हैं जिनको गर्दन के अंदर इधर बैंड्स भी आते हैं, तो वो उनको भी करेक्ट कर सकते हैं, तो उनमें ये चीज उपयोगी है। यंग बंदों में जो यंग हैं अभी, मतलब जवान हैं और 50 के नीचे हैं, उनके लिए लाइपोसक्शन एक बेहतरीन उपाय है चेहरे की चर्बी और थोड़ी की चर्बी कम करने का। भोजन को कंट्रोल करें, अपने तनाव को कंट्रोल करें तथा अगर हम किसी कारणों से बॉडी में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ गई है तो उसको अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल करें, और स्पेशली प्रोसेस फूड जो आजकल नई चीज चल रही है, मतलब कोई भी चीज जो पैकेट में आती है, जो भी भोजन पैकेट में आता है उसको ना खाएं तथा तली और मिठाई जैसी चीजों से थोड़ा सा परहेज करें तथा अपने डॉक्टर से परामर्श करके अगर आप
कॉर्टिसोल लेना पड़ रहा है आपको किसी कारणवश, तो स्टेरॉइड्स जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, वो भी आप उसको अवॉइड करना या उसके लिए कोई और सब्स्टिट्यूट दवाई लेंगे, तो उससे भी आपको चेहरे की चर्बी घटाने में मदद मिलेगी। चेहरे पर चर्बी क्यों जमा होती है और उसे कैसे घटा सकते हैं, आपने डॉक्टर साहब से ये तो जान लिया, पर मैं एक बात फिर से आपको कहूंगी, चेहरे पर चर्बी होना नॉर्मल है। कुछ लोगों में ये थोड़ा ज्यादा जरूर होती है, पर आपको इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग इससे सहज महसूस नहीं करते, कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए कई सारे विकल्प हैं, पर ये केवल आपकी चॉइस है। किसी भी तरह के प्रेशर या फिर इन्फ्लुएंस में आकर इलाज का कोई फैसला ना ले। अगर चर्बी होने के जटिल कारण है तो डॉक्टर से जरूर मिले, फिर अपने लिए सही विकल्प चुने। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपके नाखून पीले क्यों पड़ रहे हैं। क्या आपके नाखून पीले पड़ने लगे हैं? जानिए ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, डॉक्टर्स की माने तो बुरी क्वालिटी की नेल पॉलिश एक बड़ी वजह होती है, पर अगर आपके नाखून नेल पेंट के कारण पीले पड़े हैं तो नए नाखून ठीक निकलेंगे, नॉर्मल रंग के निकलेंगे। पर अगर नए नाखून भी पीले ही निकल रहे हैं तो मतलब आपके शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। कभी कभी पीले नाखून एक संकेत होते हैं किसी और सीरियस बीमारी के, विटामिन और मिनरल की कमी की वजह से नाखून पीले पड़ जाते हैं। अब जान लेते हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ऐसा होता है। थायराइड, डायबिटीज, सोराइसिस जो एक स्किन की बीमारी है, कुछ केसेस में ये स्किन कैंसर के कारण भी होता है। एक कंडीशन होती है येलो नेल सिंड्रोम, इसमें भी नाखून पीले पड़ जाते हैं। लिवर की खराबी और सांस या फिर लंग्स में कोई परेशानी होने पर भी ऐसा होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपके नाखून किसी बीमारी की वजह से पीले हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सही ट्रीटमेंट से ही ये ठीक हो सकता है। अगर वजह कोई बीमारी नहीं है तो बहुत सारे उपाय हैं। अपने नाखूनों को 10 से 15 मिनट के लिए नींबू के रस में डुबाकर रखिए। ऐसा हर दिन करिए जब तक आपको नाखूनों से पीलापन जाते हुए ना दिखे। दूसरी ट्रिक, थोड़ा पानी लीजिए, उसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा डालिए, थोड़ी देर अपने नाखूनों को इसमें डालकर रखिए। तीसरी ट्रिक, एक चीज़ आती है जैसे कहते हैं टी ट्री ऑयल। बेसिकली ये तेल एक पेड़ से निकाला जाता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। थोड़े से नारियल के तेल या फिर ऑलिव ऑयल में 2 बूंदे टी ट्री ऑयल डाल लीजिए, इसे मिला लीजिए। अब थोड़ी रुई उसमें डुबा लीजिए, फिर उसे अपने नाखूनों पर लगाइए, इससे फंगस पर भी कंट्रोल होता है, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए एनर्जी के लिए क्या हेल्दी चीजें खा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि काम के दौरान उबासी आने लगती है, नींद सी आने लगती है, एनर्जी बहुत लो महसूस होती है। ऐसे में आपको सबसे पहले ख्याल आता है चाय या फिर कॉफी का, लेकिन क्या इससे निपटने के लिए कोई भी हेल्दी विकल्प है? ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन श्रेया गोयल से। श्रेया बताती है कि एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आप केला खा सकते हैं। केले में जो शुगर होता है वो धीरे धीरे रिलीज होता है, धीरे धीरे जो शुगर रिलीज होगी वो आपको लगातार एनर्जी देगी। आप ओट्स ले सकते हैं, ओट्स में फाइबर होता है, विटामिन बी, मैंगनीज और आयरन होता है। इसमें प्रोटीन भी होता है और हाई प्रोटीन वाली चीजें आपको एक्टिव रखने में मदद करती हैं। आप चाय की जगह लस्सी पी सकते हैं या फिर दही खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर देख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।